दैनिक भास्कर परिवार के सभी सदस्यगण और यहाँ पर उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले दैनिक भास्कर को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि दैनिक भास्कर ने नागपुर में 20 वर्ष पूरे किए हैं और ये 20 वर्षों का जो सफर है, मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत ही सुनहरा ऐसा सफर दैनिक भास्कर का रहा है। दैनिक भास्कर के रूप में नागपुर को न केवल एक अपना पेपर मिला, बल्कि उसके साथ साथ कुछ नए कार्यक्रम भी मिले, कुछ नवाचार भी मिला। जैसे हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि दैनिक भास्कर का जो गरबा नागपुर में होता है वो शायद नागपुर का सबसे सुंदर गरबा होता है, जहाँ पर हमारी जो परंपरा है नृत्य की हो, पोशाक की हो, सारी चीजों को वहां पर हम लोग देख सकते हैं। या फिर दैनिक भास्कर का लड्डू हो, जिसने एक अपनी नई पहचान बनाई है, हर साल टेकड़ी के गणेश जी के पर्वों पर ये लड्डू भी लोगों को बहुत भाता है। और ऐसे कई चीजें हैं कि जिन चीजों ने दैनिक भास्कर और नागपुर की एक अलग पहचान बनाई है। और विशेष रूप से मैं ऐसा मानता हूं कि ये नागपुर का वैसे तो अपना पेपर हमको लगता है, लेकिन भास्कर एक राष्ट्रीय अखबार है, इसलिए हमारे लिए तो ये नागपुर का राष्ट्रीय अखबार है। आप भले ही नागपुर में 20 साल पहले आए हो, लेकिन आप तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि नागपुर से ही शुरू किया है आपने, इसलिए मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ। और वैसे तो कई सालों से हम लोग इस कार्यक्रम में आते हैं, लेकिन बीच में 3 साल नागपुर का अधिवेशन ही नहीं हुआ तो हमको इस कार्यक्रम में आने का मौका नहीं मिला। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अब हमारी सरकार आई है तो हर साल अधिवेशन नागपुर में होगा ही होगा, इसलिए हम सभी को बार बार इस कार्यक्रम में आने का मौका मिलेगा। और आप हमको ऐसे बुलाते रहिए, हम लोग निश्चित रूप से आएंगे। और आपने जो एक बहुत अच्छी परंपरा अपने पाठकों के साथ भी, उनके जितनी अलग अलग प्रकार की रुचियां हैं, उन सभी रुचियों को एक प्रकार से आप अपने पेपर के माध्यम से जिस प्रकार पूरा करते हैं, इसको ऐसे बरकरार रखिए, इतना ही निवेदन आपसे करता हूं। और भास्कर परिवार का, अग्रवाल परिवार का, सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद।